लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई बंदोबस्त करने की जरूरत, वो सिर्फ धमकी दे रहा है। धमकी? ऑल इन द फैमिली राम, मेरी जेल की दीवारें कमजोर है, ताले कमजोर है, मैं कमजोर हूँ। अगर वो 10 अक्टूबर को भाग गया तो मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी बीवी तक मुझे छिन जाएगी। मैं कैसे छिनूंगी जी? वो ऐसे कि तुम्हें जेल से आए हुए मुफ्त अनाज, प्याज और घी खाने की आदत पड़ गई है। छोटे लाल वर्मा से कह दो कि 9 अक्टूबर से पहले जेल की दीवारें, ईंटे, सलाखें, कोना कोना मजबूत कर दिया जाए। ये मेरा हुक्म है। डे एंड नाइट लेट्स फाइट। पल्लू भाई, आज 11 अक्टूबर रात के 2 बजे ये लोग आपके भागने का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये समझता था कि आप लोगों को अपनी काबिलियत और दिमाग की वजह से यहां रखा गया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक कैदी की एक कसम को आप लोग इतनी गंभीरता से ले लेंगे। मतलब? पांडे जी, आप लोगों ने मुझे इतना मारा, मेरी नींदें हराम कर दी आप लोगों ने। सो मैंने सोचा कि आप लोगों की नींदें कैसे हराम करूं। मुझे मौका मिला और मैंने आपको भाग जाने का चैलेंज दिया और आप उस चैलेंज में आ गए और 5 दिन तक काम पर लग गए। आप काम करते रहे और मैं सुत्ता रहा। मुबारक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ओ खलनायक जी। कहो खलनायिका। ये बताइए कि टीनी की शादी की बात आप राम से कब करेंगे? करूंगा। करेंगे क्या, खाक करेंगे? उधर राम गंगा से फोन पे बात कर रहा है ना। तूने मुझे कुत्ते छिनाल चुड़ैल का। यस नासिक जेल। मैं जोसेफ बोल रहा हूँ सर। हाँ जोसेफ, मैं राम सिन्हा बोल रहा हूँ। गंगा को जरा फोन पर बुलाना। सर वो यहाँ पे नहीं आ सकती सर। हाँ फोन वहाँ पे जरूर जा सकता है। ये देखो ये लो चला, ये देखो ये जा रहा है, ये हाँ जा रहा है, ये लो सुनो जी। शट अप। कुत्ती छिनाल ये औरत बोलती है मुझे। कुत्ती छिनाल चुड़ैल, ये तो पुराने जमाने की गालियां हैं। हाय राम, कैसी औरत है आप भाई? ऐसी औरत हूँ मैं, और अगर ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो उल्टा लटका दूंगी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो एक दूसरे के बाल नोचते फिरो। क्या है? मैडम फोन। कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मर गई गंगा, बह गई गंगा। सुन लिया सर आपने? हाँ हाँ सुना। सर थोड़ा होल्ड ऑन कीजिए सर, वो जरूर आएंगी, वो खुद ही आएंगी सर। मैं खुद क्यों आऊंगी? नौकरानी समझ रखा है क्या? राम साहब की आंखों में आंसू है। क्या है इसमें आंसू बहाने की क्या बात है? 10 दिन हो गए ना फोन किया, ना आता ना पता। ड्यूटी। हाँ
मालूम है ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, मैं भी तो ड्यूटी करती हूँ, ड्यूटी में बांध के रखो हराम की जनियों को। अच्छा सुनो। क्या क्या सुनू मैं खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। लो बाबा खड़े हो गए। गंगा मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हेलो गंगा बेटी, मैं मामा बोल रहा हूँ। बाय लागू माँ। जीते रहो जीते रहो, ऑल इन द फैमिली। वो राम बहुत परेशान है बच्ची। यू इडियट इडियट। नहीं मामा जी आप नहीं, वो यहाँ पीछे हवलदार खड़ा था ना, वो बदतमीज। वो आ रहा है तुमसे मिलने नासिक में, नासिक में आ रहा है आज शाम को ही। मामा उनसे कहिए कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आज रात को मैं मेरी सहेली आशा की शादी में जा रही हूँ। जी हाँ आज रात को शादी, तो डंडे पड़ेंगे ना दो। तुम्हारे लिए है। हेलो गंगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो कुछ भी कहना यहाँ आकर कहो। मैं आज शाम को। ये बात ठीक नहीं है राम, तुम आते हो जाते हो, गंगा को लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। क्या बातें बुआ? यही कि राम 5 साल में इतनी तरक्की कर गया कि अब क्या गंगा से शादी करेगा, गंगा तो बस एक रखेल बनकर रह गई। बुआ? क्या बुआ? गंगा की माँ बचपन में मर गई, बाप को हथियारों ने मार डाला, दर दर की नौकरियाँ करके बुआ की चौखट में पड़ी है, कब तक रहेगी? याद रखो बेटा, एक वक्त के बाद मैके में बैठी जवान लड़की तभी अच्छी लगती है जब उसकी मांग में सिंदूर भरा हो। अब ये तुम्हें सोचना है राम, मुझे नहीं। बुआ की बातों का बुरा नहीं मानना, अस्पताल में काम करते करते सठिया गई हैं। बुआ ठीक ही कह रही, अगर सिंदूर लगाना ही शादी है तो ये सिंदूर मैं आज ही लगाऊंगा और अभी। राम कह देना सबसे कि गंगा राम की सीता आज के बाद हो गई। मिस्टर राम कुमार सिन्हा, आपके लिए यहाँ के पुलिस स्टेशन में एक मैसेज है। क्या? मुजरिम बल्लू बलराम जेल से भाग गया है।